बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आपको संजय दत्त के मुतल्लिक एक अफसोसनाक खबर देने वाला हूं, तो अगर आप संजय दत्त के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्लीज़ ओके ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो तबीयत खराबी के बाद भारतीय अदाकार संजय दत्त अस्पताल मुंतकिल। सांस की शिकायत होने के बाद अदाकार को मुंबई के लैलावती अस्पताल ले जाया गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद तबीयत की बेहतरी तक इन्हें ICU में ही रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड के अजीम अदाकार संजय दत्त को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबर सामने आई है। इस हवाले से संजय दत्त की जानब से समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए इन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है, जबकि अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स और नर्सों की जेर निगरानी हूँ। संजय दत्त का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि वो 1 से 2 रोज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस चले आएंगे। इस हवाले से अस्पताल जराये का कहना है कि संजय दत्त को सांस की तकलीफ है, इसी बायस अस्पताल आने पर इन्हें फौरी ICU में मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल इनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन अदाकार को तबीयत मुकम्मल तौर पर संभल जाने तक ICU में ही रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको संजय दत्त अच्छे लगते हैं तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और साथ में बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में आपने संजय दत्त के लिए 2 लाइंस लाजमी से लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।